नमस्कार, मैं वेदिका और आप देख रहे हैं राष्ट्र हिंदी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन प्लांट का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बायो सीएनजी प्लांट की पहल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गाँव में घरों, जानवरों और खेतों से निकलने वाला गीला कचरा एक तरह से गोवर्धन है। आने वाले 2 वर्षों में देश के 75 प्रमुख नगर निकायों में ऐसे गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट बनाने का काम किया जा रहा है। ये अभियान भारत के शहरों को स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त, स्वच्छ ऊर्जा बनाने में एक लंबा सफर तय करेगा। उद्घाटन समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भाग लिया। आपको बता दें, गोवर्धन प्लांट में 550 टन अलग किए गए गीले जैविक कचरे का उपचार करने और प्रतिदिन लगभग 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन जैविक खाद का उत्पादन करने की क्षमता होगी। पीएमओ के अनुसार प्लांट से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काम करने का कम करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें राष्ट्र हिंदी न्यूज। जय हिंद। देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।